बिलासपुर में मां दुर्गा लंगर समिति द्वारा आरंभ किए जा रहे प्रतिदिन तीमारदारों के लिए लगाए जाने वाले निशुल्क भंडारे के शुभ अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने कहा कि चिकित्सालय में उपचाराधीन मरीजों और उनके तीमारदारों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए की जा रही मां दुर्गा लंगर समिति की व्यवस्था परमार्थ कार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य को अच्छी भावना से आरंभ करने का प्रतिफल ये रहता है कि उन कार्यों की पूर्ति के लिए दैवीय शक्तियां अपना आशीर्वाद और सहयोग देती हैं। यही कारण है कि मां दुर्गा लंगर समिति द्वारा आरंभ किया गया साप्ताहिक भंडारा अब प्रतिदिन के लंगर में परिवर्तित हो गया है। इस अवसर पर लंगर समिति के सदस्यों ने कहा कि उनके द्वारा चिकित्सालय में आने वाले मरीजों व तीमारदारों के लिए अब प्रतिदिन शुद्ध व वैष्णव भोजन दोपहर को उपलब्ध करवाया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे ये लंगर आरंभ होगा और तैयार किए गए भोजन के समापन होने तक इसे वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन व बिलासपुर के निवासियों का उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते प्रतिदिन चिकित्सालय में आने वाले रोगियों व उनके परिजनों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में अगर इसी प्रकार से कर्मचारियों व बिलासपुर वासियों का सहयोग प्राप्त होता रहा तो मरीजों व उनके परिजनों के लिए दोपहर के भोजन की अतिरिक्त रात्रि भोजन व सुबह के नाश्ते की व्यवस्था आरंभ की जाएगी। समिति सदस्यों ने लोगों से आह्वान किया कि धर्मार्थ महायज्ञ में वे अधिक से अधिक अपनी आहुतियां अर्पित करें ताकि सुचारू रूप से लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। इस अवसर पर मां दुर्गा लंगर समिति के अध्यक्ष ललित डोगरा, प्रधान गंगाराम वर्मा, सचिव महेंद्र पाल, कानूनी सलाहकार राजेंद्र रांटा, कोषा अध्यक्ष सुंदर लाल डोगरा आदि मौजूद रहे। आज के शुभ दिन पे मां दुर्गा लंगर समिति जो भंडारा करते आई है, जो सोमवार के दिन होता था, अब वो समिति के सभी मेंबर्स की तरफ से एक वॉलंटरी तौर पे जो यहाँ पे सभी पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं उनके लिए यहाँ पे मुफ्त जो दोपहर का भोजन है वो समिति के द्वारा उसका वहन किया जाएगा और सबको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें शुद्ध वैष्णव जो खाना है वो सभी जो यहाँ के अटेंडेंट्स हैं हॉस्पिटल में वो सब यहाँ पे ओपीडी में जो मरीज हैं उनके साथ जो आए हैं वो सब उसमें साथ में उसकी सेवा ले सकते हैं। सर, आपने भी इंस्पेक्शन किया, आपने भी खाना देखा, कैसा लगा, कितनी अच्छी पहल है सर ये? इसका मैं भोजन पहले भी कर चुका हूँ, जो भंडारा बनाते हैं बहुत ही स्वच्छ और अच्छा खाना बनाते हैं और उसमें दो सब्जियां होती हैं, चावल होते हैं, कभी पूरी का भी बना देते हैं, तो ऐसे ऐसे दो तीन सब्जियां बना के जो एक अच्छा शुद्ध और बिलासपुरी टेस्ट वाला खाना जो है सभी लोगों को खिलाते हैं, वो आगे वही जारी रखेंगे।